Hello children, how are you all? I hope you all are good and doing well at home. So children, today you all know this is our EVS online class, and I hope you all understood the introduction which was given for your new chapter yesterday. Okay, so today I will read the chapter from the book and I will explain it to you all. Okay, so please, children, listen to this video very carefully. Now, take out your Nature Learner EVS book, okay, and turn to page number 60, chapter number 9, Useful Plants, okay. In this chapter, I told you that we will learn about what all things we get from plants. That we get food from plants, we get wood from plants, we get different fibers from plants and other useful things also we get from plants. Okay, so listen to this video very carefully, children, and let's get started. Plants are very useful to us. You all know that plants are very, very useful to us. Okay, they give us many things. Hame plants bahut sari cheeze dete hain. They also clean the air around us. प्लांट्स का और एक यूज़ क्या होता है कि वो हमारे आसपास की एयर को क्लीन करते हैं. लेट अस सी व्हाट थिंग्स प्लांट्स गिव्स अस. प्लांट्स हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड. वी विल स्टडी अबाउट फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स. ये आपको सबको पता है दैट हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट्स से. Plants give us cereals and pulses. Now children, what are cereals and pulses? Wheat, rice, millets and maize are the main cereals. Okay. Gehun, chawal, bajra, ye sab kya hai hamare cereals. Arhar, gram, moong and urad are the main pulses. Pulses kya hote hain? Daalein. Theek hai, aapke ghar mein daal bante hain. मम्मी दाल बनाती है. सो व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दाल कॉल्ड? पल्सेस. ओके, नाउ प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड नट्स. अब प्लांट्स हमें सीरियल्स और पल्सेस देते हैं. देन प्लांट्स हमें और क्या देते हैं? फ्रूट्स एंड नट्स. सम फ्रूट्स आर जूसी एंड सम आर ड्राई. नाउ कुछ फ्रूट्स जूसी होते हैं, जूस वाले. ओके, कुछ फ्रूट्स ड्राई होते हैं, बिल्कुल ड्राई. ओके, फ्रूट्स एंड नट्स कीप्स अस हेल्दी. नाउ द फ्रूट्स दैट आर जूसी आर दीज. मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड बनानास, दीज आर जूसी फ्रूट्स. देन हियर यू कैन सी वॉलनट. व्हाट इज अ वॉलनट? अखरोट, आलमंड, बादाम, कैश्यू नट, काजू. तो ये थ्री जो फ्रूट्स हैं, वॉलनट, आलमंड एंड कैश्यू नट्स, दीज आर ऑल ड्राई फ्रूट्स. ओके, दे डोंट हैव जूस इन देम, दे आर टोटली ड्राइड. सो दीज आर ड्राई फ्रूट्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, प्लांट्स गिव्स अस वेजिटेबल्स. नाउ प्लांट्स हमें क्या देते हैं? वेजिटेबल्स. प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स. ये आप सबको पता है कि प्लांट्स से हमें सब्जियां भी मिलती हैं और हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स खाते हैं. हम अलग अलग वेजिटेबल्स खाते हैं जो कोई ना कोई एक पार्ट होता है प्लांट का. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? फर्स्ट कैटेगरी इज रूट वेजिटेबल्स. तो रूट वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? कैरेट एंड रेडिश. यू ऑल नो दैट, जिनमें से थोड़ी थोड़ी रूट्स निकलती हैं. कैरेट एंड रेडिश. देन कम्स स्टेम वेजिटेबल्स. रूट वेजिटेबल्स थी कैरेट, रेडिश. स्टेम वेजिटेबल्स क्या है? पोटैटो एंड जिंजर. ओके, देन लीफी वेजिटेबल्स, जिनमें लीव्स होती हैं बस, वो कौन सी हैं? कैबेज एंड स्पिनिच. कैबेज पत्ता गोभी, स्पिनिच इज पालक. ओके, देन कम्स योर लास्ट कैटेगरी, दैट इज फ्लावर वेजिटेबल्स. अब फ्लावर वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली.
Is that clear, children? Now, plants give us tea and coffee. अब प्लांट से हमें हमने क्या पढ़ा अभी तक कि सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, ओके, वेजिटेबल्स मिलते हैं. नाउ प्लांट्स ऑल्सो गिव अस टी एंड कॉफी. इज दैट क्लियर? वी ऑल्सो गेट शुगर फ्रॉम प्लांट्स. टी एंड कॉफी भी हमें प्लांट से मिलता है और शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है. शुगर का प्लांट कौन सा होता है? शुगर केन. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट कम्स, प्लांट गिव्स अस spices. Spices add flavor and taste to our food. Now, what are spices, children? Spices are masale, okay, which we use while making vegetables. Okay, जब भी हम घर में सब्जी बनाते हैं तो हम मसाले डालते हैं. मम्मी मसाले डालती है आपकी. So, जो मसाले मम्मा use करती है आपके vegetables बनाने में, those are all called spices. Coriander, that is dhania. Cloves, that is long. Black pepper, that is kali mirch. Turmeric, that is haldi. So what are all these? These all are spices. Now coming to next part. Next is plants gives us oil. Sorry, plants give us oil. You all know that there are different kinds of oil, like seeds of groundnut, mustard, sunflower and coconut are crushed to get oil. Oil is used for cooking food. Now, groundnut oil, groundnut, what are groundnuts, children? Mufli. So, mufli ka oil. Then, mustard oil. Mustard is sarso. Okay, sarso ka tel. Then, sunflower oil. Coconut oil. Theek hai? So these all are oils and we get oils from plants. Okay, is that clear? Now, next part is fibers. Plants give us fibers. Now, what are fibers, children? Fibers are used to make clothes, mats, ropes and sacks. Cotton and jute are the main fiber plants. What are fibers, children? Fibers se hum kya banate hain? Clothes, kapde banate hain, mats banate hain, jo hum niche zameen mein bichhate hain. Ropes, that is rassi, and sacks, matlab bore, jisme hum bahut sara gehun, chawal ya ye sab cheeze jisme band karte hain. So, ye sab kya hote hain? Sacks. Okay. So, plants give us fiber. And that fiber is used to make clothes, kapde banane ke liye, mats banane ke liye, ropes ke liye and sacks ke liye. Now, cotton and jute are the main fiber plants. You all know that cotton or jute ek main fiber hai plants ka. Now, coming to the next part, wood. Lakdi. Plants give us wood or timber. Wood is used to make different articles of furniture. We should not cut green trees for wood. You all know, children, that whatever furniture you have in your house is made up of wood. Okay. But we should remember that we should not cut green trees for wood. Is that clear? Hame hare ped wood ke liye, lakdi kaatne ke liye nahi kaatne chahiye. Is that clear, children? Wood se hum kya kya cheeze bana sakte hain? Hum jitna bhi lakdi ka saman hota hai hamare ghar mein, hum wood se hi banate hain. Like, as you can see in this, door, chair, pencil, bed, stool, window, table, all these are wood furnitures and they are made from wood. And wood is from where we get wood? We get wood from plants. Okay, so this is the topic. Now next is other useful things. Now what other things we make from plants? Plants also give some other useful things. Hame aur bhi other cheeze plants se hi milti hai, like the juice of flowers like rose and jasmine is used to make perfume. Flower jo aap rose flower aur jasmine flower ka jo juice hota hai usse hum kya banate hain? Perfumes. The wax from the seeds of jojoba plant is used to make shampoo. Now jo वैक्स या जो सीड्स में से निकलती है, किसके सीड्स में से? जोजोबा के सीड्स में से जो वैक्स निकलता है,
उससे हम क्या बनाते हैं? शैम्पू. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज्ड एज मेडिसिन. दवाई के तौर पे हमें कौन से प्लांट्स यूज करते हैं? नीम एंड तुलसी. दे क्योर कफ, कोल्ड एंड पेन. नीम और तुलसी हमें किस चीज का क्योर करती है? कफ से, कोल्ड से और कहीं के भी दर्द से. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? मेडिसिन सच एज क्विनिन एंड पेनिसिलिन कम फ्रॉम प्लांट्स. नाउ दीज टू आर नेम्स ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन सच एज क्विनिन एंड पेनिसिलिन कम्स फ्रॉम प्लांट्स. क्विनिन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया. यू ऑल नो दैट क्विनिन किस लिए यूज होता है? मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए. गार्लिक प्रिवेंट्स हार्ट डिजीजेस. वॉट इज गार्लिक? लहसुन. ओके, लहसुन हमें किससे बचाता है? हार्ट डिजीजेस से. और क्या कंट्रोल करता है? ब्लड का प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और हार्ट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हमें गार्लिक खाना चाहिए. ओके, नाउ वी गेट गम, पेपर एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स. अब हमें प्लांट्स से पल्सेस मिल गया, सीड्स मिल गए, सीरियल्स मिल गए. ओके, नाउ हमें फाइबर भी मिल गया, ऑयल भी मिल गया. ठीक है, सो अब हमें क्या और मिला? मेडिसिन्स भी मिल गए. नाउ वी गेट गम, पेपर एंड रबर आल्सो फ्रॉम प्लांट्स. इज दैट क्लियर? जूस ऑफ बबूल ट्री. एक बबूल ट्री जो होता है उसका जो जूस होता है वो किस लिए यूज होता है? गम के लिए, फॉर मेकिंग गम्स और फेविकॉल्स. ओके, स्टेम ऑफ बैम्बू प्लांट इज यूज टू मेक पेपर. जो भी बैम्बू प्लांट का स्टेम होता है लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज अ बैम्बू प्लांट. इसका जो ये स्टेम होता है ये किस लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग पेपर. द जूस ऑफ अ रबर ट्री इज यूज टू मेक रबर. इन दिस वीडियो, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस टायर इज मेड ऑफ रबर एंड द रबर वी गेट फ्रॉम प्लांट. विच प्लांट? रबर प्लांट, रबर ट्री. ओके, सो वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. ओके, नाउ द रिकैप पॉइंट्स. आई विल गिव यू द रिकैप पॉइंट्स. रीड द रिकैप पॉइंट्स. प्लांट्स गिव अस सीरियल्स एंड पल्सेस. यू ऑल नो दैट प्लांट्स से हमें सीरियल्स और पल्सेस मिले. देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिले. देन स्पाइसेस एंड ऑयल मिला. स्पाइसेस इज मसाले एंड ऑयल. फाइबर्स एंड वुड. ओके, परफ्यूम, शैम्पू एंड मेडिसिन. एंड इन द लास्ट प्लांट्स गिव अस गम, पेपर एंड रबर. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ विद दिस वी आर गोइंग टू कम्प्लीट आवर book exercise also. So please complete your book exercise. I am explaining you. First question is, tick the correct answer. The first question is, which one is a cereal? Three options mein se kaun sa cereal hai? Wheat, arhar, gram. So cereal is wheat. Is that clear children? Which one is not a juicy fruit? इन तीनों में से कौन सा फ्रूट ऐसा है जो जूसी नहीं है, ड्राई फ्रूट है? मैंगो, ऑरेंज, आलमंड. मैंगो जूसी होता है, जूस होता है उसमें, ऑरेंज में भी जूस होता है, आलमंड में नहीं होता. व्हाट इज आलमंड चिल्ड्रन? बादाम. इज दैट क्लियर? थर्ड वन, द लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड. किसकी लीव्स हमें खांसी जुकाम में फायदा करती है? तुलसी, रोज और स्पिनेच. Yes, tulsi. So we will put a tick in front of tulsi. Is that clear, children? Now the next question is, write two examples of each of the following. Root vegetables, what are the two examples? Carrot and radish. Stem vegetables, potato, ginger. Leafy vegetables, cabbage, spinach. And flower vegetables, cauliflower and broccoli. Is that clear, children? Now coming to the last exercise, it says name the plants that gives us the following things. अब इसमें हमें कुछ चीजों के नाम लिखे हैं और इन चीजों को हमें बताना है कि कौन से प्लांट से मिलती है. सो शुगर, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन. परफ्यूम फ्रॉम रोज और जैस्मिन. शैम्पू फ्रॉम जोजोबा. गम, बबूल ट्री. पेपर, बैम्बू प्लांट. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो
दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी नाइसली एंड वेरी केयरफुली. ओके सो टुडे आई एम गोइंग विद दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट एंड दैट असाइनमेंट इज दैट यू विल डू द बुक एक्सरसाइज इन योर बुक. ओके सो आई विल क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस पेज एंड I will attach it in your assignment and you will complete the exercise in your book. Okay, children, till my next video, I hope you will complete your work. Until my next video, bye bye, children. Take care, stay safe, stay healthy.